मन्नु भंडारी जी का लिखा हुआ नशा कहानी, जिसे NEP सेकेंड सेम BCA के छात्रों के लिए रखा गया है, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। लेखिका का परिचय। मन्नु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की एक महान लेखिका, कहानीकार व उपन्यासकार मानी जाती है। जब नई कहानी आंदोलन अपने उत्थान की ओर अग्रसर था, तब इन्होंने हिंदी कहानी लेखन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहानी का सार। नशा कहानी में मन्नु भंडारी ने नारी पुरुष के संबंधों की मानसिकता को बताया है। भारतीय संस्कृति के संबंधों में जितनी भी दरार आ जाए, पर वह अपने संबंधों में जुड़े ही रहना चाहते हैं, अलग होना नहीं चाहते। नशा कहानी में नायिका आनंदी भी अपने पति शंकर से जुड़ी रहना चाहती है। शंकर उसे बहुत कष्ट देता था, फिर भी उसे उसके साथ रहना मजबूरी और लाचारी दोनों थी। आनंदी अपने पति के मारपीट के सितमों से बेहद परेशान थी। वह उसका विरोध करना चाहती, पर अपने हालातों के आगे विवश थी। पहले तो सासू माँ ने शुरू के पहले दिन से ही उसकी नाक में नेकल डाल रखी थी। सासू माँ से बचती तो पति भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। आनंदी का पति शंकर रोज शराब पीकर आता, आनंदी को पशुओं की तरह पीटता था। आनंदी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच भी रही थी कि हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, कोई मुझे यहाँ से ले जाए। आनंदी अपने जीवन से दुखी थी। शंकर रोज उसे पैसों के लिए पीटता था। वह पैसा दे देती तो ठीक था, वरना उसकी खैर नहीं। एक दिन शंकर आनंदी के पास उसके बेटे किश्नु की चिट्ठी लेकर आया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। आनंदी को जैसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। 12 वर्ष की उम्र में वह अपना गांव और अपनी माँ को छोड़कर चला गया था। तब के बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं। अचानक शंकर ही उसका पत्र लेकर आया और बोला कि सुनती है आनंदी, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे, वह जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। आनंदी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसका बेटा जीवित है, बड़ा आदमी हो गया है। शंकर ने कहा, देख देख, किश्नु की चिट्ठी आई है, उसने कपड़े की दुकान कर ली है, ले देख। आनंदी शंकर की तरफ एकटक देखने लगी। यह शंकर की कोई नई चाल तो नहीं पैसे की? शंकर आनंदी को पत्र हाथ में देते हुए बोला, बुद्धू, ऐसे क्या देख रही है? देख, अपने बेटे की लिखाई पहचानती है या नहीं? यह तो उसके बेटे किश्नु की ही लिखाई है। आनंदी उसके हाथों से पत्र लेकर पढ़ने लगी। पत्र में यह भी लिखा था कि कपड़े की दुकान जम गई तो शादी भी कर ली, एक छोटा सा मकान भी बना लिया। अब तुझे मैं अपने ही साथ रखूंगा, यह सब मैंने तेरे ही लिए किया है माँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। आनंदी उस पत्र को पढ़कर चैन की सांस लेने लगी। रोज रोज के ताने व पिटाई से तो बचूंगी। आनंदी का चित्त अब प्रसन्न था। शंकर आनंदी पर व्यंग्य कसते हुए कहता है कि अरे, कल तेरा बेटा आ रहा है, 12 साल बाद, राम 14 साल बाद आए थे, तू भी दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना, आज तो 2 रुपये मांगू तो भी कम है। सच कहता हूँ, जो परसों से एक बूंद भी गले के नीचे गई हो तो और अब क्या बात है, तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है। शंकर खुश होकर भी खुश नहीं था। किश्नु ने केवल माँ के बारे में ही लिखा है, जिसके कारण उसे अधिक क्रोध आ रहा है। शंकर जोर जबरदस्ती से आनंदी से पैसे निकलवा कर ले जाता है। आनंदी पैसे नहीं देती तो मार खाती, इसीलिए उसने 2 रुपये देने में जरा सी भी देर न लगाई। आनंदी में आत्मविश्वास आ गया। आनंदी ने अपने मन में यह धारणा धर ली थी कि वह अब शंकर के पास नहीं रहेगी। आनंदी भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोचने लगी थी।
आनंदी में यह आत्मविश्वास पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। अचानक बेटे के आने पर उसे एक रोशनी मिली। आनंदी अपने पुराने दिनों के स्मृतियों में खोई हुई थी। शंकर की पीने की लत ने सब कुछ तबाह कर दिया था, उससे उसके होने का भी अस्तित्व छीन लिया। दो बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलिहान चले गए, गाय भैंस चली गई। रह गए शंकर और किश्नु। किश्नु को छाती पर लगाए काम करती, न हाथ रुकते न आंसू। शंकर या तो सोता या नशे में उत्पात मचाता। वह मार खाती, किश्नु मार खाता। आनंदी मानसिक तथा शारीरिक रूप से पीड़ित थी। आनंदी अपने पुत्र के मोह में सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। किश्नु भी माँ के प्रति संवेदना का भाव रखता है। जब किश्नु ने घर छोड़ा था तब वह 14 वर्ष का था। किश्नु अपनी माँ आनंदी को पिता के हाथों से इस तरह पीटता नहीं देख सकता था। माँ ने उसके लिए कितना किया था। एकाएक किश्नु के घर छोड़कर जाने से आनंदी बहुत परेशान हो गई थी। इस बात पर शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आनंदी को बीते दिनों की याद अब भी रह रह कर आ रही थी। अब तो उसके दुख के दिन दूर होकर सुख के दिन आने वाले थे। आनंदी और किश्नु बहुत सालों बाद मिले थे तो बड़े प्रेम से बात कर रहे थे। शंकर यह सब देखते हुए शराब की नशे में अनाप शनाप कहने लगा था। किश्नु यह सब देखकर और दुखी हो जाता है। वह अपनी माँ से पूछता है, अब तक नहीं बदली इनकी शराब पीने की आदत? माँ से कहता है कि पैसा कहाँ से आता है? आनंदी किश्नु को कोई जवाब नहीं दे पाई, चुप रही। किश्नु माँ की चुप्पी को समझ गया। किश्नु के आगे आनंदी के सब्र का बांध टूट गया। अब और सहा नहीं जाता ये मार पिटाई। बेटा बहुत दुख देख लिए। किश्नु माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि आज ही तुझे ले चलूँगा माँ, आज ही। शंकर मन में ही बेचैन हो गया, आनंदी भी अब चली जाएगी। शंकर मन ही मन डर गया। आनंदी की सामान की बंदी पोटली को देख उसे लगा वह भी अब चली जाएगी। शंकर को कतई ये मंजूर नहीं था कि आनंदी किश्नु के साथ जाए। अगर वह चली जाएगी तो कौन उसके दारू का इंतज़ाम करेगा और समय समय पर कौन उसे रोटी सब्जी देगा? यही सोचकर वह चिंता में गुला जा रहा था। शंकर अपनी कठोरता दिखाते हुए आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को कश सा आ गया। आनंदी इस बीच जोर से चिल्लाई और किश्नु से बचाने की विनती की। आनंदी की यह हालत देख आसपास भीड़ हो गई। किश्नु अपने पिता को वहीं पर छोड़कर आनंदी को अपने साथ शहर ले जाता है। आनंदी पति की यातनाओं से परेशान होकर बेटे के साथ चली जाती है। वहां पर बहू बेटे दोनों इसकी खूब सेवा करते हैं। फिर भी आनंदी को शंकर की याद सताती रहती है। पति से मिले यातनाओं के बाद भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आनंदी अपने पति को बहू बेटे से छिपाकर 20 रुपये का मनी ऑर्डर बेचती है। लेखिका मनु भंडारी ने अपनी कहानी नशा में स्त्री को मानसिक पीड़ा से ग्रस्त दिखाया है। स्त्री का जीवन जो पशु से भी बदतर है उसे दर्शाने का प्रयास किया है। वह रात दिन पति के हाथों पीटने पर भी अपने पति को परमेश्वर मानते हुए उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहती है। यह था नशा कहानी का सारांश जिसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है।